हाय दोस्तों, फारिक फैशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने मशीन में जुक्की मशीन में आयल को कैसे डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन दबाए जिससे कि आपको नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज सीखेंगे कि मशीन में तेल को कैसे हम डालते हैं, वो भी जुक्की मशीन में हम तेल को कैसे डालेंगे। तो इसमें तेल डालने का जो तरीका है दोस्तों, इसको आपको एक भी स्क्रू ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। एक भी स्क्रू आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो तेल डालने का जो सिंपल तरीका है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कैसे इसमें तेल डालते हैं देख लेते हैं और इसमें से तेल आयल कैसे निकाल लेते हैं, जो बाकी बचा हुआ आयल रहता है। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, मशीन को आपको ऐसा इस तरह पकड़ना है, अब इस तरह ऊपर में उठा देना है, उठा के यहाँ पे हम इसको रख लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये आयल का पूरा चैम्बर ओपन हो चुका है। अब इसमें कैसे हम आयल को पूरा निकालेंगे और इसकी सफाई भी सही से कर लेंगे दोस्तों, ये जो कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब काम हो के इसमें फंस गया है, इसको भी अच्छे से हम सफाई कर लेंगे इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आयल जो है, यहाँ पे आपको स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो ये जो स्क्रू है इसको हम ओपन करेंगे और ये जो डब्बा है दोस्तों, इसको हम नीचे साइड में यहाँ पे रखेंगे, ये देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है मशीन में, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे हम इसको इस तरह लगा लेंगे और फिर ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। तो इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ये पूरा आयल हमारा नीचे बॉक्स में गिर जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं, आयल पूरी तरह से अब धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसकी हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, देख लीजिए पूरा आयल अच्छे से इसको गिरने देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा आयल गिरने के बाद हम इसको किस तरह से इसको बिठाएंगे, फिर से हम यहाँ पे इसको बिठा लेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ये ग्रिप इससे मिलता है पकड़, इसको आयल जो गिरती नहीं है नीचे, और फिर इसको हम वापिस से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हम टाइट कर दिया। अब इसमें सफाई करेंगे इसको और फिर इसमें आयल कैसे फिल करेंगे वो देखेंगे। ये देखिए, हमारा पूरा आयल आपके सामने है, ये पूरा कचरा आयल हो गया है, इसको हम चेंज कर देंगे, दूसरा डालेंगे इसमें। ये आपको 3 से 4 महीने के अंतर पे इसकी साफ़ सफाई आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम इसको सफाई कर लेंगे। सबसे पहले तो ये जो सारा है इसको जैसा कि देख सकते हैं, इसको बढ़िया से हम इसको सफाई कर लेंगे, जिससे कि 3-4 महीने तक इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, इसमें आयल डालते हैं तो कैसे डालते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आयल को आपको ओपन करना है और सीधा इसमें इस तरह उड़ेल देना है आयल को पूरा। और ये वाला जो आयल है इसको भी हम ये
ये जो पूरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लो और हाई, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा लो और हाई, तो यहाँ पे लो या हाई तक पूरा इसको हाई तक करके इसको छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें आयल की कमी ना हो। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा आयल इसमें फिल हो चुका है। अब इसको वापस हम मशीन को बिठा देंगे सही से जगह पे अपने। अब ये हमारी मशीन प्रॉपर बैठ चुकी है और ये चलने के लिए रेडी हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आयल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा आयल चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है पूरा आयल ऊपर तक आना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।